नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज इन्फो में दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाला हूं सार इंडिया परिवार के सिलसिले में। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सार इंडिया में लगभग 2 लाख लोगों का पैसा फंसा हुआ है और सभी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका पैसा कब उनको मिलेगा। तो इसकी जानकारी को लेकर सभी लोग परेशान हैं, तो सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आप सभी लोगों के लिए वे डिजिटल माध्यम से आपके सभी के खाते में भेजे जाने शुरू हो चुके हैं। पैसे को लेकर जो परेशान जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है कि वो जो सरकार भी उनके पैसे को दिलाने में काफ़ी मदद कर रही है। सहारा इंडिया रिफंड में दस्तावेजों की लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप सहारा इंडिया परिवार के खाताधारक हैं और आपको अपने रिफंड का अमाउंट चाहिए तो किन किन दस्तावेजों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। नंबर वन है ओरिजिनल रिसिप्ट की स्कैन कॉपी या कॉपी, जो भी आपने इंस्टॉलमेंट पे किए उसके रिसिप्ट की आपके पास कॉपी होनी चाहिए, और जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। बैंक अकाउंट की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, आपके पास भारत का मान्यता प्रूफ, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए और फोटोग्राफ भी होनी चाहिए, यानी कि फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और बैंक अकाउंट डिटेल्स, ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट और ओरिजिनल रिसिप्ट। आवेदन की प्रक्रिया के दौरान इन सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसके लिए आप लोग आवेदन करते समय इन दस्तावेजों को अपने पास रखें ताकि सभी दस्तावेज को अपलोड हो सके और आवेदन जल्द से जल्द ऑनलाइन के माध्यम से कर सके। मिलते हैं नए वीडियो।